सोनभद्र जिले के ग्राम पंचायत सुंदरी में अफजल हुसैन जो कि एक अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं, इनका नाम बीपीएल सूची में होने के बावजूद इन्हें बीपीएल राशन कार्ड न दे करके एपीएल राशन कार्ड दिया गया है। इसी गांव में अफजल हुसैन सहित कुल 5 लोग हैं जिनका नाम बीपीएल सूची में है, परंतु इनका भी यही हाल है। आपका नाम बीपीएल सूची में है? जी, मेरा नाम है बीपीएल सूची में। हमारे पास एपीएल कार्ड है, इससे हमको यही परेशानी होती है कि महीना में कभी कभार जो है 7 किलो या कभी 5 किलो कभी वो नहीं मिलता है, तो इससे हमारा खर्च बस चल नहीं पा रहा है। किस रेट में मिलता है इसमें? ये 7 रुपया किलो मिलता है, कभी कभार महीना मिलता है, हर महीने नहीं मिलता है। तो अगर बीपीएल कार्ड आपके पास होता तो उसमें कितना मिलता? बीपीएल होता तो हमको 35 किलो मिलता, 20 किलो चावल और 15 किलो गेहूँ, 200 रुपया कम बेसी में मिल जाता। आपने सभी के पास प्रयास किया? मैं सभी के पास प्रयास किया लेकिन हमारा सुनवाई नहीं हुआ। मतलब आपका राशन कार्ड एपीएल से हटा करके बीपीएल नहीं किया गया? नहीं किया गया। आपके पास कौन सा राशन कार्ड है? पीला राशन कार्ड है। एपीएल? एपीएल भाई, इससे कुछ मिलता नहीं है, गल्ला वल्ला, इसलिए परेशानी है। कभी कभार महीना दो महीना मिला था इतना दिन में, इसके बाद बंद। आपने बीपीएल कार्ड पाने के लिए कोई प्रयास किए? प्रयास सब प्रधानों से किए, बल्कि लेखपाल तक पहुंचा दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बीपीएल सूची में नाम होने के बावजूद इन्हें एपीएल राशन कार्ड दिया गया है, जिससे इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह बदलाव चाहता हूँ, इन सभी लोगों को बीपीएल राशन कार्ड जारी किया जाए ताकि इनकी परेशानियां कुछ कम हो सके। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि आप हमारी मदद करें। सोनभद्र जिले के जिला आपूर्ति अधिकारी के मोबाइल नंबर 9453-091-818 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। मैं मोहम्मद जावेद, सुंदरी दुद्धी, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।